सत्संगत आज सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कृपा से हम इस अंधकार में से निकलकर इस प्रकाश में आए हैं। सत्संगत आज इस प्रकाश में बाबा जी की कृपा से हम हर चीज़ की वास्तविकता का आभास कर रहे हैं, हर चीज़ की सत्संगत वास्तविकता को जान रहे हैं। परम समर्थ सद्गुरु अयिनटुवंटि बाबा हरदेव जी महाराज कृप वल्ल ఈ 39వ వార్షిక సంత సమాగమంలో దేశ నలుమూలల నుండి మరి దూర దూర దేశం నుండి పాల్గొన్నటువంటి భక్తులందరూ కూడా వివిధ కులములయందు వివిధ సాంప్రదాయములయందు వివిధ మతములయందు వివిధ విశ్వాసములయందు మనము గరిగినటువంటి వాళ్ళమందరూ కూడా విశ్వ కేందర్ అమన్ ఏక్తా ప్యార్ नम्रता का संदेश देने वाला ये मिशन सात संगत आज दिन पर दिन अपनी इस आवाज को विश्व के कोने कोने तक सात संगत पहुंचा रहा है। विश्व के अंदर किस प्रकार से शांति कायम हो सकती है, आज का इंसान किस प्रकार से सुखी हो सकता है, उसके जीवन में कैसे खुशियां आ सकती हैं, अपने आप को वो कैसे आनंदमय बना सकता है, दास समझता है बहुत ही सरल और सीधे तरीके से आज ये संत महात्मा इस बात का प्रचार साथ संगत कर रहे हैं। सासी संत क्या बताते हैं, संत ये नहीं बताते तुम ग्रस्त को छोड़ दो, संत ये भी नहीं बताते ग्रस्त में बिल्कुल खतत हो जाओ। संत सासी ऐसा मार्ग मध्यम मार्ग बताते हैं जिस करके इंसान ग्रस्त में रहकर भी सासी ग्रस्त से बाहर रहकर भी सुखी रह सकता है। वो सासी कौन सा मध्यम मार्ग है जो सतगुरु बताता है, ना सुख विच ग्रस्त दे ना सुख छड़ दिया पर सुख है विच विचार दे। संता शरणी पया, संत जो है सतगुरु जो है दाता जो है इस इंसान को विचार शक्ति देता है। सासी ये विचार शक्ति इंसान को तब उत्पन्न होती है जब ये अकाल पुरख आदि प्रभु निराकार के साथ जुड़ जाता है। सात संगत युग धर्म उसे ही कहते हैं जो हाजिर गुरु का धर्म होता है। पहले जो है जैसे हालात होते हैं जैसा वातावरण होता है सदगुरु उसके मुताबिक मार्गदर्शन देता है और सभी को उस पर चलना चाहिए। बाबा अवतार सिंह जी ने जो कुछ कहा उस पर हम लोगों ने जहां तक हो सका अमल किया। बाबा गुरुभजन सिंह जी ने जैसे चलाया हम लोगों ने कोशिश की उसी तरह चले। आज बाबा देव सिंह हमारे सामने जो कुछ कह रहे हैं जो कुछ बार बार हमको समझाना चाहते हैं समझा रहे हैं शायद ये हम अभी नहीं कर पाए क्योंकि दास समझता है सबसे मुश्किल काम आज के युग का है। अगर गुरमत बनना है हमने अगर हमने जीवन को सुधारना है अगर हमने वाकई ये समझते हैं कि ज्ञान लेने के बाद हमारा लोक परलोक सुखी हो जाएगा तो यकीनन हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने आप को इसके समर्पण करना पड़ेगा और समर्पण सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने कर्म से करना पड़ेगा। इसलिए जो कुछ कहा है उसे अपने जीवन में ढालना पड़ेगा। अवश्य में ये मानव परिवार एक दिन विश्व परिवार होगा। तेरे संतान दी करा दिन रात सेवा, मैं तेरे संतान दी करा दिन रात सेवा, संतान दी सेवा क्यों सदा मिल गाए मेवा, तेरे संतान दी करा दिन रात सेवा, मैं तेरे संतान दी करा दिन रात सेवा। सतगुरु हैज ए बॉडी बट सतगुरु इज नॉट ए बॉडी। मिरेकल्स डू हैपन
But Satguru does not do miracles. And one proposition. Can there be more than one Satguru at a time on the earth? Regarding body, sometimes it is said that a saint or a Satguru has a particular type of sign on her face. Saints, whether that sign is on the head or forehead or cheeks or nose or chin. Sadhu hari bina jag andhiyara, koi janega janan hara. Sadhu hari bina jag andhiyara, sadhu hari bina jag andhiyara. ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪਰਵਾਨ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਕੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦਿਲ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਕੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਦੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਮਝੋ ਉਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜੋੜ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜੋੜ ਕੇ, ਰੁਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਛੋੜ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ। ਢੋਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮੂੰਹ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ, ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਨਾਤਾ ਸਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੋੜ ਕੇ। ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਰੰਜ ਲੋ ਮੁਸਕਾਨ ਲੋ। ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਰੰਜ ਲਓ ਮੁਸਕਾਨ ਲਓ। ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਰੰਜ ਲਓ ਮੁਸਕਾਨ ਲਓ। ਘਰ ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇਹ ਘਰ ਚ ਮੇਰੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਘਰ ਚ ਮੇਰੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਿਲ ਚ ਮੇਰੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੁਕਰਰ ਮੁਕਰਰ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਲ ਚ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦਰ ਤੇ ਦੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਦੇਵ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ। ਜਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਏ ਜਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਏ ਜਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਏ ਜਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। परिवार की स्थापना में लगे हुए पूज्य स्वामी राज बलदेव जी यहाँ पधारे हैं ताकि वो अपनी खूबसूरत रचना शुद्ध भगवत गीता सदगुरु बाबा जी को अर्पण कर सके। आदरणीय बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, प्यारे भाइयों व बहनों, आप सबको स्वामी राज बलदेव का प्रणाम और इस 40वें वार्षिक संत निरंकारी मिशन के शुभ अवसर पर बधाई हो।
अरदास कर दे हां चोली सब दी पर दे इंसान कुल दुनिया दे दाता सब नु सुखी कर दे अरदास कर दे हां चोली सब दी पर दे हमारे मुर्शिद कामिल ने इंसानियत को क्या दर्स दिया है और मोहब्बत के पैगाम को किस तरह से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कोने कोने में फैला दिया है। I can say that only in this mission, only here we respect each other, we bow to each other's feet, seeing God in one another amidst the environment of hatred, extreme jealousy, murders, so and so forth. And fruit, that lovely fruit which the Sadhguru is giving to us, which all of us are getting from him, may that fruit be shared to all of the world. बाबा जी जब आते हैं बड़ी रहमतें लाते हैं करके दर्शन सतगुरु के सबके दिल मुस्काते हैं तकबक तकबक अरे भाई तकबक तकबक बाबा जी जब आते हैं बड़ी रहमतें लाते हैं करके दर्शन सतगुरु के सबके दिल मुस्काते हैं तुमने 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 बिगड़े बात सवारे बाबा प्यारे प्यारे अखियों के तारे आए नन्हे मुन्ने मिलके तेरे द्वारे तुमने 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 मेरे वास्तवारे मीरा कबीरा सब का कहना सेवा है भक्ति का गहना मीरा कबीरा सब का कहना सेवा है भक्ति का गहना भगवान जिसने और इंसानियत को बरकरार रखने के लिए और जो अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा को बढ़ाने के लिए जो बाबा जी ने काम किया है ये दुनिया में एक मिसाल है और ये मिसाल के लिए हमारी श्रद्धांजलि है जो आज मैंने बाबा जी के चरणों में रखी है और मुझे यकीन है कि बाबा जी इसको स्वीकार करेंगे और सही मौके पर हमें ये मौका देंगे कि हम उनको सम्मानित कर सकें अपने सिद्क लई मैनू अपने सिद्क लई बलवान बनना पड़ेगा वाह वाह बहुत अच्छे हां जी जफर साहब क्या बात सीख लिए की सिखाउंदा है सिखिया दी लोड है सीख लिए की सिखाउंदा है सिखिया दी लोड है एक दिन असानू रब दे मेहमान बनना पड़ेगा एक दिन असानू रब दे मेहमान बनना पड़ेगा ओ धर्म दे रखवाले हो इंसानियत कोई धर्म नहीं क्या बात है ओ धर्म दे रखवाले हो इंसानियत कोई धर्म नहीं जिंदा जे रखना है धर्म नु इंसान बनना पड़ेगा इंसान है जो फिरकियां दी वंडियां तो दूर है हर बशर भी जापदा जिसनु इलाही नूर है दातार उस दे वास्ते परतख है भरपूर है ओ मगर इंसान नहीं बेकल जड़ा मगरूर है संगत अगर हम भी संसार की तरह टेंशन का शिकार रहे हम भी मानसिक तनाव का शिकार रहे
तो हम फिर संसार को कह नहीं सकेंगे कि हम सुखी हो गए। तो आज सच्चा पातशाह हमारे साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं। दातार की कृपा से साथ संगत जैसा जीवन ये हमसे चाह रहे हैं, आओ हम अरदास करें। दातार हमें ऐसी सुमत बख्शो, ऐसी शक्ति बख्शो, हम आपके इशारे के मुताबिक जी सकें, आपके नाम को रोशन कर सकें। इस कुरा को था दिन छा जगत मा मिशन हमरो आयो बेला, दाजू भाई करो सफल जीवन आयो बेला, दाजू भाई करो सफल जीवन। आज निरंकारी मिशन जित उत्साह, जिस तरक्की, जिस आशा के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, वो दिन बहुत नज़दीक है कि हिंदुस्तान में क्या सारे संसार में अमन और शांति होगी। तेरे प्यारे वचना तो जिंदगी नुवार के चरना दे विच रखना, दाता संभाल के तेरे प्यारे वचना तो। आओ सत्संग चार वेद छे शास्त्र 18 पुराणा दा जो बाबा जी ने साडे सामने नक्शा नजर आ रहा है, यही युगां तो सत्संग सतगुरु अपनी ज्ञान रूपी शक्ति नाल इस धरती दे हुए ज्ञान की रोशनी नाल अपने संतां नूं पवित्र प्यार बख्शदा रहा। और जिथे आप जी बैठे हो ये भागां वाली धरती है। गुरबाणी च लिखिया जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सोई थान सहावा है। आओ सत्संग असी अपने पवित्र हिरदे च गुरु की मूर्त नूं बिठाइए, ये सतगुरु की पूजा करिए, फिर साडे जीवन के अंदर सत्संग आनंद प्राप्त हो सकता है। जग विच रह के सारे जग नाल बेशक कारोबार करो, पुत्र धीआं रिश्ते नाते सबना दे नाल प्यार करो। भई संसार के अंदर रह करके अगर कोई आदमी मजदूरी कर रहा है तो वो भी भक्ति कर सकता है। ये संत महात्मा जब मिलकर बैठ जाते हैं, चाहे हजारों की तादाद में हो चाहे लाखों की हो, जब ये ईश्वर परमात्मा की चर्चा करते हैं तो मन को कितनी शांति मिलती है, मन को कितना ठहराव मिल जाता है। मन की अवस्था तो ऐसी होती है ना, ये टिक कर बैठता है ना किसी को बैठने देता है। जैसे कहा कि कभी जीवड़ा ऊप चढ़त है कभी जाए प्याले, लोभी जीवड़ा थिर न रहे तो चारे कुंटा पाले। हम प्यार और सत्कार से जहां सजाएंगे, हम प्यार और सत्कार से जहां सजाएंगे, हम सतगुरु के सेवक है सेवा कमाएंगे, हम सतगुरु के सेवक है सेवा कमाएंगे। उठो जागो संतो आओ, हम है सेवादार, हम है सेवादार, हम है सेवादार, हम है सेवादार। संकटे गुरु रक्षी मागे पुढे काया वाचा आणि मन
गुरु चरणी का अर्पण। सेवा दल का मेन उद्देश्य है कि सभी जनता की सेवा करना, मानव जाति की सेवा करना। जहाँ पर ये संत स्वभाव के लोग हैं, सबसे पहले सेवा सिमरन और साथ संगत इनका मुख्य लक्ष्य है। कोई भी सेवा मिशन की हो या मुल्क के इंटरेस्ट में हो, वहाँ हमारे सेवा दल के नौजवान जाते हैं। आप देख रहे हैं कि जितने बड़े ये ग्राउंड बसाया गया है, इसमें सबसे पहले संतों के ठहरने के लिए जगह बनानी, उनके लिए शौचालय आदि का प्रबंध करना, इतने बड़े लंगर की व्यवस्था करनी, जितनी प्रिपरेशन है लंगर की वो भी हमारे स्वयं सेवक जो सेवा दल के हैं अधिकारी और सज्जन सेवा दल सदस्य वो करते हैं, और उनको बांटने का काम भी यही करते हैं। तो ये नौजवान भाई बहन भी सेवा दल में इसीलिए भर्ती होते हैं ताकि सेवा मर्यादा में की जा सके, सेवा अनुशासन में की जा सके, और सबसे बढ़कर सेवा सदगुरु के आदेश अनुसार की जा सके, ताकि सदगुरु के पूरे पूरे आशीर्वाद हम सभी को मिल सके। चलो मान भी लिया कि सेवा दल का एक संगठित रूप आवश्यक है, लेकिन सेवा दल के लिए ये अलग से वर्दी की क्या जरूरत है? सेवा तो किसी भी पोशाक में पहनकर की जा सकती है। भाई साहब, महत्वपूर्ण तो ये है कि हम क्या कर रहे हैं, ना कि क्या पहन कर कर रहे हैं। भाई साहब जी, आपकी इतनी सी बात से तो मैं सहमत हूँ कि सेवा किसी भी पोशाक में की जा सकती है, लेकिन सेवा दल की वर्दी का एक अपना ही महत्व है। हम देखते हैं कि जब बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनकी एक विशेष यूनिफॉर्म होती है। अब विद्या तो किसी भी पोशाक में ग्रहण की जा सकती है, महत्वपूर्ण तो ये है कि हम क्या सीख रहे हैं। महापुरुष भक्तजन एक ऐसी ही भावनाओं से युक्त रहते हैं, इनके मन में हमेशा एक ही भावना रहती है कि ये तन मन धन जो दातार ने दिया है, ये संतों की महापुरुषों की साथ संगत की समाज की सेवा करने में लगा रहे, और उसी भावना के तहत ये हमेशा ये अपना महान योगदान देते आते हैं। फल पाए, अरे हट जाए
हरम अधियरिया ये मितवा हटी है भरम अधियरिया ये बबुआ बड़ा सुख गुरु के चरनिया में ये मन इस दातार के साथ जुड़े और इसी के ऊपर आस्था इसी के ऊपर विश्वास हमारा और मजबूत हो, ऐसे प्रेरणादायक वचन महापुरुषों ने आप तक रखे हैं और विश्वास के प्रमाण महापुरुष खुद हुआ करते हैं। ये कैसे अकीदे को लेकर चलते हैं जिसको एक चट्टान का अकीदा कहा जाता है, एक ऐसा विश्वास कि जिस तरह से चट्टानें भी हवाओं से नहीं हिलती, इसी प्रकार से इनके निश्चय भी इस कदर मजबूत हुआ करते हैं और ये मजबूती निरंतर बढ़ती चली जाए इसके लिए महापुरुष हमेशा प्रेरणादायक वचन और अपने ही जीवन के द्वारा समझाने के प्रयास करते हैं।